उपस्थित परम सम्मानीय प्रातः स्मरणीय धर्माचार्य गुरु यहाँ उपस्थित सभी शक्ति स्वरूप का माता बन गए तथा उपस्थित सभी बंधु हमारे जो कोविड की आग लेकर के राम जन्म भूमि के मंदिर के निर्माण में बाधा खड़ी करना चाहते हैं हम उनके प्रति तो हमने बहुत निश्चित रूप से प्रस्तुत करेंगे। मैंने ईमानदारी से बताइए क्या इस मामले में कोर्ट को लाया जाना चाहिए था और जिस प्रकार के जो कोर्ट के पास में फैसला लिखा हुआ रखा है उनको क्यों अपना फैसला सुनाना है तो वो अपने फैसले को क्यों क्या वो उसको साफ से नहीं सुना देते थे क्या वो उसको साफ से पहले नहीं सुना देते थे ये बार बार गाली खाने क्यों पढ़ाई जा रही है और अगर ये बार बार गाली खाने पढ़ाई जा रही है तो कोर्ट की बेइज्जती तुम हमें नहीं की है बल्कि कोर्ट की बेइज्जती उन जगह में की है जो फैसले को रोके हुए हैं और उन्होंने कोर्ट का अपमान किया है कोर्ट की शालीनता भंग की है और कोर्ट की गरिमा भंग की है। हमारा विरोध किसी न्यायालय के साथ में नहीं है लेकिन अगर न्यायालय की आग लगकर के और ये कोशिश की जा रही है कि इस प्रकार के कार्य सेवा को आगे टाला जाए और ज्यादा तारीख तक लोगों को रोक करके रखा जाए और ये जितने लोग आए हैं हम संख्या और बढ़ाएंगे। हकीकत तो ये है कि लोग भाई के लिए गए हैं इलाहाबाद में लखनऊ में क्योंकि अयोध्या में ऐसी स्थिति आने वाली है कि खड़े होने के लिए जगह न बचे तो फिर मैं कोशिश की थी कि इस प्रकार से कोर्ट की तारीख को आगे बढ़ाकर चले जाओ और अयोध्या में जो भीड़ इकट्ठी हो गई है उनके सामने अदालत का भय खड़ा कर दो। धीरे धीरे लोग अयोध्या में रहते रहते मिल जाएंगे किसी तरीके से 46 को कार सेवा मत होने दो और जब लोगों को भोजन की और रहने की व्यवस्था नहीं होगी तो लोग अपने आप भागेंगे। लेकिन नरसिंह राव जी मैं राम जन्म भूमि के सामने और यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन के सामने आपको बताना चाहती हूँ कि अयोध्या में जो कार सेवक आए हुए हैं वो यहाँ की मिट्टी उखाड़ के खा लेंगे यहाँ के पेड़ों के पत्ते तोड़ करके खा लेंगे। लेकिन राम जन्म भूमि पर जब तक भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक हम जैन के साथ में नहीं देखेंगे। अयोध्या में हम आते रहेंगे और हम भी जाते रहेंगे। रही तो 6 तारीख को निश्चित रूप से काम सेवा होगी उसका कोई क्योंकि ये धर्म संकट का निर्णय है। लेकिन दुख की बात यह है कि नरसिंह राव जी की तरह यह बात नहीं आई। यदि आ रहे अयोध्या में 1 लाख लोग और यदि आ रहे अयोध्या में 2 लाख लोग तो एक आदमी के परिवार से जुड़ा होता है। यदि उस परिवार के कम से कम 10 सदस्य ऐसे हैं जिसकी भावना उस व्यक्ति के साथ जुड़ी है तो नरसिंह राव जी को समझना चाहिए कि आज 2 करोड़ लोगों की भावनाएं पूरे अयोध्या के साथ में आज जुड़ी हैं। शक्ति प्रकट हुई थी और उसने कहा था कि अपने अपने आप में मुझे दो
व्यवस्था बना